तो दोस्तों, अभी रेडमी के जितने भी डिवाइस है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऐप्स क्रैश काफ़ी करता है और साथ में लैग का प्रॉब्लम भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका जो भी परमिशन अगर अलाउ कर देते हैं, तो अलाउ करने के बाद क्या होता है कि टोटल एप्लीकेशन ऑनलाइन जितना भी होता है वो रन करने लगता है, और वही रन करने के कारण क्या होता है कि मोबाइल पे काफ़ी ओवरलोड पड़ता है, जिसके चलते क्या होता है कि ऐप्स क्रैश करने लगता है। और ये ऑनलाइन काम करने से क्या होता है कि जंक फाइल भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो टिप्स बताने वाला हूँ। ये दोनों टिप्स अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके मोबाइल में कोई भी ऐप्स क्रैश का प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले क्या करें कि आप अपने मोबाइल में सेटिंग में चले जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन पर जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद नीचे में ही आपको MIUI वर्जन मिल जाएगा, इस पर आपको 7 से 8 बार टैप करना है। टैप करने पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से बैक हो जाए। बैक होने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे में ही आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अभी इनेबल है। नीचे आप स्क्रॉल करते चले जाए, सबसे लास्ट में चले जाना है। सबसे लास्ट में ही एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन। तो सिंपली क्या करें कि फर्स्ट बार आप इसको एक बार ऑफ कर लें। ऑफ करने के दौरान परमिशन मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। ये यहाँ पे ऑफ हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद फिर से आपको टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लेना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि जो भी एप्लीकेशन में आपने परमिशन दिया है वो टोटल एप्लीकेशन रिसेट हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब ये रिसेट हो जाता है तो ऐप्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है क्रैश का, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। देखिए जैसे इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आप ओपन कर ले सिक्योरिटी को, और सिक्योरिटी को ओपन करने के बाद पहला आपको काम क्या करना है, और उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊँगा, ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहां पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपने डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया है वो आपको फिर एडिशनल सेटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रोसेस को आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आप यहां से बैक हो जाए, और बैक होने के बाद अब आप यहां पे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो रिसेट हो जाता है। देख सकते हैं अब यहाँ पर फिर से परमिशन मांगा जाएगा। इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बार परमिशन मांगा जाता है। तो बहुत दिन से जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है, और रिसेट होने के कारण क्या होता है कि वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगा, और रन नहीं करेगा तो मोबाइल का परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा। देख सकते हैं जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे ये कैलकुलेटर है, इसके लिए कोई भी परमिशन अलाउ नहीं करना पड़ता, इसलिए ये डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है। अब आपको यहाँ पे जो सेकंड काम करना है वो क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन का नाम है जियो सिक्योरिटी। तो दोस्तों अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो जियो के सिम में जियो सिक्योरिटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दिया जाता है, और ये जो जियो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसमें आपको टोटल जो परमिशन है उसको अलाउ कर देना है। जब आप यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने के बाद नीचे में आपको एक क्लीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन दे देना है, और एक बार यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन है उसके जितने भी जंक फाइल है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर कर देगा। तो जितने भी जंक फाइल है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपको यहाँ पर शो करवा देगा। आप एक बार इसको जंक फाइल को क्लियर कर दें। जब ये जंक फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो आपके मोबाइल में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा मिलेगा, और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश नहीं करेगा, ना लैग देखने को मिलेगा। और इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है दोस्तों कि जब भी आप यहाँ पे एक बार ऑनलाइन आइएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जंक फाइल को क्लीन करता है, इसमें आपका कोई भी फाइल या डाटा यहाँ पर नहीं जाएगा। तो इस ट्रिक को अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप एप्लीकेशन में जो भी ऐप्स क्रैश का प्रॉब्लम आ रहा है या लैग का प्रॉब्लम आ रहा है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा।